टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है उनके मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 4.2 लेकर आई हूँ। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस पहले करा चुकी हूँ, आप 4.1 पहले करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है हमको ये, Which one of the following is true and why? इनमें से कौन सा सही है और क्यों? हमारे पास इक्वेशन क्या है? Y is equal to 3x plus 5 has. यानी कि इस सॉल्यूशन के पास क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या one only two solutions होंगे या infinite solutions होंगे? इसका आंसर होगा हमारा infinite solution. क्यों? Why? Because हम जैसे जैसे x को लेट करते रहेंगे y की वैल्यू हमारी निकलती रहेगी। लाइक मैं लेट करती हूँ x को 2, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने 2 लेट किया है तो y is equal to 3 into 2 plus 5। कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 वहाँ से आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 को x लिखा है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इतने इंटो का साइन होगा यहाँ पे, और हमने x को 2 लेट किया है इसलिए 3 को इंटू हो गया 2 से। तो y इज इक्वल टू 3 × 2 = 6 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 11। जैसे हमने x को लेट किया 2, हमारे की y की वैल्यू आ गई 11। अगर अब हम लेट करें x को 3, तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 3 × 3 + 5। ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको। y इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 + 5, तो y इज इक्वल टू, राइट में आप 5 प्लस करेंगे, आंसर आएगा आपका 14। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 14। अगर हम एक और लेट कर ले, लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 × 1 + 5, y is equal to 3 + 5, y is equal to 8। जैसे हमने यहाँ 1 लेट किया तो y आ गया, तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, इसीलिए हमारा जो ये वाली इक्वेशन है हमारी y is equal to 3x + 5 इन्फिनिटी सॉल्यूशंस हो गए। तो जैसे जैसे हम x को लेट करते जा रहे हैं y की वैल्यू हमारी तरीके से निकलती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।